ये मेरा इंडिया को चैलेंज है, 7 ईंटें कान से उठा के दिखा दे। भाई सीटें दांतों से उठा लेता हूँ, बाइक भी उठा लेता हूँ और ट्रैक्टर भी साइड से उठा लेता हूँ। नेशनल लेवल तक खेली है, कई पहलवानों को मैंने हराया है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके जीत सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। ऐसे प्लेयरों की जरूरत है, जो से प्लेयर है उनकी कदर नहीं करती ये हुकूमत, जो से टैलेंट नहीं होता उनको ऊपर लेके आते हैं शिवारज बेत पे, इसके पास शिवारज नहीं है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जौहरी में लाल से, मतलब कि आज झुग्गियों में रहने वाले सैफ पहलवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जो कि दांतों से जो है वो ईंटें उठा लेता है, कान से ईंटें उठा लेता है, इसके साथ साथ जो है ट्रैक्टर भी उठा लेता है, और ट्रैक्टर उठाने के साथ साथ जो है जो भारत है उसको जो है उनके पहलवानों को चैलेंज भी करता है। अगर पहलवानी के मैदान में आया तो इसने बड़े बड़े पहलवानों को चित किया और मेडल अपने नाम किया। सैफ पहलवान हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं सैफ पहलवान क्या कहना चाहोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैं ये चैलेंज करता हूँ ये मेरा इंडिया को चैलेंज है, 7 ईंटें कान से उठा के दिखा दे। मैं और चैलेंज नहीं देता, एक ही चैलेंज देता हूँ, 7 ईंटें हैं ये कान से कोई बंदा भी उठा के दिखा दे मुझे, ये मेरी ख्वाहिश है। पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए चैलेंज दे रहा हूँ इंडिया को। और क्या क्या कर लेते हो? 22 सीटें दांतों से उठा लेता हूँ, बाइक भी उठा लेता हूँ और ट्रैक्टर भी साइड से उठा लेता हूँ, और भी चैलेंज है, पानी की कैन भरी हुई वो भी उठा लेता हूँ, और भी कई चैलेंज हैं जो मैं कर लेता हूँ। कौन कौन? दांतों से ईंटें उठाना और एक हाथ से एक मन वज़न उठाना, 20-20 किलो के दो बट्टे हैं वो उठाना एक हाथ से, उनका बैलेंस मुश्किल होता है वो वज़न उठाना। तो इसके अलावा 22 ईंटें भी उठा लेता हूँ दांतों से, और 7 ईंटें कान से भी उठा लेता हूँ, और ट्रैक्टर भी उठा लेता हूँ, मोटरसाइकिल भी उठा लेता हूँ। अच्छा सैफ पहलवान, झुग्गियों में रहते हो, बच्चों के पेट पालते हो और घर का गुजर बसर कैसे होता है, इसके साथ साथ जो पहलवानी में आप गए तो मेडल भी आपने जीते हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? जी मैंने नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो अभी जो महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है, अभी मैं अपना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहलवानी को ब्रेक किया हुआ है, पहलवानी मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैंने नेशनल लेवल तक मैंने मेडल कई जीते हैं। तो उसके अलावा मुझे जज्बा तो जुनून बहुत है पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। तो सोशल मीडिया दौर है आजकल, तो वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, पाकिस्तान के झंडे दिखाते रहता हूँ, तो अंदर जुनून जज्बा बहुत है। अगर मेरी सरपरस्ती अच्छी हो, अगर मेरे पास इनकम हो, तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। जैसे आपने दंगल मूवी देखी आमिर खान की, इंडिया की दंगल मूवी है, उसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं मैट रेसलिंग भी खेलते हैं, मट्टी वाली रेसलिंग भी खेलते हैं, वही रेसलिंग मैंने खेली है, नेशनल लेवल तक खेली है, कई पहलवानों को मैंने हराया है। जी घर में से मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे 7 बहनें और 3 भाई हैं, तो उनकी देखभाल भी करनी होती है, उनके लिए रोज़ी रोटी करके आता हूँ ना, जो मैं गत्ते कागज़ वगैरह उठाता हूँ, तो उसकी मसरूफियात की वजह से मैं गेम पे तवज्जो नहीं दे सकता। आपके सामने इतनी महंगाई है, तो अगर मेरी अच्छी सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से, तो मैंने जैसे मेडल नेशनल लेवल पर जीते हैं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके जीत सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। जी वो खुश होते हैं, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, दूर दूर से टैलेंट देखने आते हैं कि झुग्गियों में ऐसा टैलेंट है जो कान से ईंटें उठाता है, दांतों से ईंटें उठाता है, बाइक उठाता है, ट्रैक्टर उठाता है, तो लोग देखने आते हैं कि झोंपड़ियों में पहलवान ऐसा रहता है सादिकाबाद में। और देखने वालों को मेरा ये पैगाम है, वो मुझे हीरो बना सकते हैं, वो पूरी दुनिया घुमा सकते हैं, मेरी वीडियो शेयर करें ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो और मेरा जो टैलेंट है वो मशहूर हो और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, जैसे मैंने पहले रोशन किया है नाम, वैसे मैं अभी रोशन करूं पाकिस्तान का नाम, मेरी दिली ख्वाहिश है ये। यकीनन हर कामयाबी के पीछे माँ की दुआ होती है, तो सैफ पहलवान के पीछे भी उसकी माँ की दुआ का नतीजा है कि आज उसको ये मकाम मिला हुआ है। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, खाला क्या कहना चाहेंगी? मेरा बेटा बहुत बहादुर है, हर मैदान जीत के आया, इंशाल्लाह ताला अब भी बहादुर है, इसके शौक पूरा किया जाए, हुकूमत का साथ दिया जाए, जहाँ भी गया मेरी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला कामयाब हो के आए, बड़े बड़े मैदानों को हरा के आया है, इंशाल्लाह ताला मेरा बहुत बेटा
मेहनती है और इसको इंशाल्लाह ताला आप मेरे बेटे के साथ तामन हो जाए, हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और मेरा बेटा भाजर है मेरी दुआओं के साथ। सैफ पहलवान का टैलेंट देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से शायकीन यहाँ पे जमा होते हैं, तालियां बजाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। सब जैसे शायकीन भी हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आए सैफ पहलवान को देखने के लिए, क्या कहना चाहोगे? मैं इधर बाईपास से आया हूँ, FFC चौक से। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ भी देखी हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है इसका तावन करे और पाकिस्तान लेवल पे भी इंशाल्लाह नाम रोशन करेगा और दूसरे मुल्कों में भी जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसके घर वाले इसका खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। हम बुरे कामों के लिए हमारे हुक्मरान बहुत हैं, ठीक है, बुरे कामों पर पैसा लगाते हैं। ऐसे टैलेंट झुग्गियों वाला बेचारा इतना टैलेंट कर रहा है और इसका टैलेंट लाना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है। ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है, जो से प्लेयर हैं उनकी कदर नहीं करती ये हुकूमत, इनकी कदर करनी चाहिए। यही टैलेंट है, जो से टैलेंट नहीं होता उनको ऊपर लेके आते हैं शिवारज बेत पे, इसके पास शिवारज नहीं है सिर्फ, नहीं तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। ये शिवारजी प्लेयर नहीं है, ये अपनी मेहनत के ऊपर आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है इनके साथ, सैफ पहलवान के साथ, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और अच्छे लेवल पे खेलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने लाहौर में मुकाबले खेले हैं और पिशावर में भी खेले हैं, फैसलाबाद में खेले हैं, जितने बड़े बड़े अपने शहर हैं उधर हम मैंने नेशनल खेली है और मेडल भी जीते हैं। कई बड़े बड़े पहलवानों को मैंने जीत किया। अच्छा जी, तो अभी अगर हुकूमत आपकी सरपरस्ती करती है, अगर क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहोगे, हुकूमत आपकी सरपरस्ती करे तो मतलब कि क्या कर सकते हो? अगर मेरी हुकूमत तक आवाज़ जा रही है तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, या मेरे हालात देख रहे हैं, अगर मेरे हालात अच्छे हो जाएं, अगर मेरी सपोर्ट हो, देखने वाले मेरी सपोर्ट कर सकते हैं जो देख रहे हैं वीडियो, अगर वो सपोर्ट करें तो मैं हीरो बन सकता हूं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूं बाहर। सैफ पहलवान आप हीरो हो क्योंकि आपने मेडल भी जीते हुए हैं, झुग्गियों में रह के अपने जो है वो शौक भी पूरा कर रहे हो, अपने शौक की अभ्यारी भी कर रहे हो और साथ साथ जो है वो पहलवानी के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी जो कर रहे हैं, जिसको दुनिया देख रही है आपकी वीडियोज़ को। इंडिया के बड़े बड़े पहलवानों को सैफ पहलवान चैलेंज भी कर रहा है कि एक जो कान है उससे जो है वो 7 ईंटें जो है वो उठा के दिखाए, तो ये बड़े बड़े चैलेंज भी जो है वो कर रहा है। इसका कहना है कि अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो ये बहुत आगे जा सकता है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।